मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ एंड उन लोग मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसके अंडर भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। अब उस कंपनी के अंडर ना शेख अपना एक कंपनी है जो शराब मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कैसा है काम करना, क्योंकि मैंने पहले दिन जब मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला है, अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है, तब भी मैं अपने मैनेजर को बोल दिया था कि मेरे को नहीं, जैसे इनडायरेक्टली भी इसका पार्ट नहीं बनना है। तो मेरे मैनेजर ने क्या बोला कि आपको 2-3 महीना ट्रेनिंग पर्पज पे रहना पड़ेगा, जब आप प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह उसके बाद मतलब जो भी है मेरे को चेंज कर देंगे लोग क्लाइंट। तो अभी क्या करना चाहिए मेरे को ये केस में? देखिए, सवाल बहुत वाजे है और इसका जवाब भी बहुत वाजे है। कोई भी कंपनी जो किसी भी तरह की गैर शरई एक्टिविटी में मुलव्वस है, उसका ऐड आप नहीं कर सकते, उसके साथ ताउन नहीं कर सकते, उसके साथ काम नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो शराब का कारोबार भी करती है, अगर उस कंपनी का आप ऐड कर रहे हैं तो ताउन अल इस्म है ये, जो कि जायज नहीं है, तो नहीं जायज है जी शेख। मैं अभी मतलब ऐड का काम नहीं है मेरा उसमें, उसमें मेरा काम जो है उनका खाली जो बजट एंड ऑल है वो हैंडल करना है। तो देखिए, उस जो कंपनी के काम है, वो बहुत सारे काम है उस कंपनी के, उन सारे कामों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। वो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है शराब का कारोबार करती है, तो उसमें हर आदमी शराब थोड़ी बेचता है, उसमें कोई आदमी कैशियर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई कुछ होगा, तो ये सारे जो काम है इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। तो ऐसी कंपनी में आप काम ना करें जो कोई हराम कारोबार कर रही है, क्योंकि ये ताउन अल इस्म है। ठीक है जी शेख, लेकिन अभी मैंने कैसे तीन उलमा से फतवा लिया था, जो मतलब हमारे यहाँ पे मैं जहाँ पे नमाज पढ़ता हूँ, तो जैसे कि मेरी जो इनकम है वो मेरी पेरेंट कंपनी से आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको आप मतलब दूसरा जॉब तलाश करिए, या तो आपको अगर वो हलाल क्लाइंट दे देंगे तो आप उनसे काम कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो वहाँ से इनकम मेरे को आ रही है, वो क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं इनकम आ रही है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आई बात। जैसे कोई बैंक है जो सूदी कारोबार करता है, बैंक, जाहिर है बैंक का जो सारा काम है वो बैंक के अंदर हो सकता है सब काम हो, उसमें सब सूद ही नहीं है, सूद का भी डिपार्टमेंट होता है। अब बैंक के अंदर जो काम करने वाले इंप्लाइज होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लोग वो सूद पर जो है कर्ज दे रहे हो लोगों को, उसके अंदर अलग अलग इंप्लाय होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, फिर जाकर के वो काम कंप्लीट होता है जी। तो ऐसा नहीं कि वो आपको कोई हलाल इंप्लाई दे देंगे भाई, सूद का जब वो उस कंपनी में, सॉरी, उस कंपनी में जब शराब का कारोबार हो रहा है तो हलाल इंप्लाई कैसे? तो उस कंपनी का जो सारा काम है जी, असल में भाई का जो सवाल है ना वो इस तरह से है कि इनकी एक मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक कंपनी है, उस कंपनी के अलग अलग क्लाइंट होते हैं, उसमें वो इनका काम मार्केटिंग करना है और उसमें अलग अलग क्लाइंट होते हैं, एक क्लाइंट उनका शराब बेचने वाला है, इसी तरह दूसरे क्लाइंट उनके जैसे कोई साबुन की कंपनी हो या कोई भी इसी तरह की जो हलाल प्रोडक्ट है उसकी भी कंपनी उसमें हो सकती है। हाँ, तो देखिए, अब थोड़ा सा, अब थोड़ा आपका सवाल और वाजे हुआ, मैं सवाल एग्जैक्ट खान भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा यही आपका सवाल है ना जो मैंने अभी शेख को एक्सप्लेन किया है, वही सवाल है। मैं भी सवाल को थोड़ा रिपीट करता हूं कि क्या मैं सही समझा हूं। जैसे एक कंपनी, एक एड कंपनी है, एक एडवर्टाइज वाली कंपनी है, उसका अपना कोई कारोबार नहीं, वो सिर्फ दूसरी कंपनियों का एड करती है, ठीक है जी। अब जाहिर है उसके पास जो कंपनियां अपना एड करवाने के लिए आती हैं, 50 कंपनियां हो सकती हैं। अब वो जो 50 कंपनियां उसके पास एड करवाने आती हैं, उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हलाल काम का ऐड करवाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हराम काम का ऐड करवाती हैं जी। और आपकी नौकरी उस ऐड करने वाली कंपनी में है जी। ऐसी सूरत में ऐसी कोई कंपनी अपना ऐड लेकर के आती है जिसका कारोबार हलाल है, तो आप उसका ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐड आप कर रहे हैं, जिस कंपनी का ऐड आप कर रहे हैं, वो कंपनी हलाल है। जाहिर है आप अपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ना तो आप उस कंपनी का ऐड कर रहे हो, ना तो दूसरी हराम कंपनियों का ऐड कर रहे हो जी। उसकी मिसाल ऐसे समझें, जैसे एक कोई गैर मुस्लिम है, वो उसके कई कारोबार है, उसका कपड़े का कारोबार है, उसका साबुन का बिजनेस है, उसका शराब का बिजनेस है, उसका सूद का बिजनेस है। आप उसका जो कपड़े वाली कंपनी है, कपड़े वाली कंपनी में नौकरी कर रहे हो, शराब वाली कंपनी में नहीं नौकरी कर रहे हो, तो जाहिर है जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने यहूदियों के साथ लेन देन किया, जबकि यहूदी सूद के का कारोबार भी करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद वाले कारोबार में लेन देन नहीं किया, उनका जो दूसरा काम था उसमें लेन देन किया। तो अगर ये सूरत हाल है तो जायज है, जितना आपने सवाल किया है उसकी बुनियाद पर। यह तो शरई हुक्म हुआ, लेकिन मशवरा यह है मेरा कि आप ऐसी एड कंपनियों को भी ज्वाइन ना करें जो एड कंपनियां गलत काम, गलत लोगों का भी प्रचार करती हैं।